Every sir. यहाँ पे ओहो अच्छा सुपर सीक्रेट आउट दैट्स नॉट योर हस्बैंड अस एम गेट आई हाउ एम आई सपोज्ड टू नो दैट एनीवन वुड थिंक इट वाज आई वाज वी सिट टुगेदर या आई सी वन ऑफ द मैचेस हैज टू गो टुगेदर एंड स्पोर्ट्स टेक फाइन गेदर एक सेकेंड रुक जाइए और उस मौकों की तलाश में जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनके पास टैलेंट भी है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो शायद घर परिवार की स्थितियां और बाकी कारणों से वो अपने राइटफुल चैनल में बैठ नहीं पाया जा नहीं पाया उसको भी मौका मिले ये समझकर इस ISPL को हमने लॉन्च किया और आज ये शेप अप करके हम यहाँ तक आए हैं। मैंने अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारी 6 टीमें अभी पूरे देश भर से सिलेक्ट होके 350 से भी ज्यादा बच्चों में से अभी 97 सिलेक्ट होंगे 96 और इस सब प्रोसेस इस जर्नी में आप से लेकर बहुत सारे लोगों ने हमें साथ सहयोग सपोर्ट किया उस पड़ाव पर उस सपोर्ट की बहुत आवश्यकता थी। हम खुश नसीब है कि भारत रत्न सचिन जी भी हमारे साथ है और आनंद की बात यह भी है कि इस ISPL का और एक यूनिकनेस जो है वो इसके कुछ रूल्स अलग से बनाए हैं जो ऑब्वियसली क्रिकेट टैलेंट को प्रमोट करने वाला है और क्रिकेटर्स के टैलेंट को बैटर हो या बॉलर हो या फील्डर हो उसको उसकी स्ट्रेंथ और डेवलप हो इस दृष्टि से लेकर इस रूल्स को भी बनाने में सचिन जी ने प्रमुख भूमिका अदा की है और इसके लिए मुझे लगता है आप सबके सामने बाकी सब डिटेल्स आ गई है कि 6 तारीख से हम खेलेंगे और ऑप्शन भी आप देख रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा कि लखपति युवाओं को बनाने का भी एक मौका है। 96 बच्चे लखपति बने अपने घर परिवार गांव का नाम शहर का नाम अपने गली का नाम अपने मोहल्ले का नाम अपने दोस्तों का नाम रोशन करें और स्वाभाविक है जो फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स में सब हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस उन्होंने भी बहुत सहयोगिता दी वो भी इसमें शामिल है उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन और अच्छी तरीके से हो ये देखकर हम चल पड़े हैं। आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को इस हमारे नए एपिसोड में नए वेंचर में
यूथ पावर में इस तूफान में, इस भारत के तूफान में लोगों की भी सहभागिता हो. इसमें एक्चुअल गेम के साथ साथ गेम भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, ये भी कल्पना है. आगे चल के उसके बारे में भी हम बताएंगे. मुझे लगता है इतना पर्याप्त है. मैं सचिन जी से आपको कुछ पूछना होगा तो आपको निमंत्रित करता हूँ, और सचिन जी को भी निवेदन करता हूँ कि आप प्रेस को एड्रेस करें. नमस्कार. पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि आज ये दिन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप भी बैठे हो. आपका भी कहीं ना कहीं तो क्रिकेट शुरू हुआ होगा टेनिस बॉल से, है ना. आपको भी कभी ना कभी तो लगा होगा कि एक दिन स्टेडियम में अगर खेलने का मौका मिलता तो मैं कोशिश करता. तो यही हम एग्जैक्टली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. मेरा क्रिकेट भी वैसे ही स्टार्ट हुआ. हमारे बिल्डिंग के सामने, हमारे गली में हम खेलते थे क्रिकेट, और वहाँ से स्लोली स्लोली शिवाजी पार्क गया, शिवाजी पार्क से वानखेड़े स्टेडियम, और वहाँ से अलग अलग स्टेडियम में खेलने का मौका मिला. एक जर्नी ऐसी थी कि जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया लाइफ में, इतना सारा रिस्पेक्ट, प्यार जो भी मुझे क्रिकेट ने दिया है, आई कैन नेवर थैंक इनफ. मैं जो चाहूँ, जितना चाहूँ कहूँ या करूँ, दैट विल स्टिल नॉट बी इनफ. तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि इतने सारे एप्लीकेंट्स आए, इतने सारे फ्रॉम अ 14-year-old टू अ 49-year-old, सभी ने कोशिश की. आई एम सो हैप्पी कि एक 14-year-old बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है, वो आज ऑक्शन में रहेगा. एंड सो इज़ द केस विद अ 49-year-old ऑल्सो. मुझे याद है जब मैं छोटा था, 14 से भी छोटा था, आई वॉज एक्चुअली 11 and a half, 12, तो मुंबई के सिलेक्शन ट्रायल्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. मेरी बैटिंग अच्छी हुई थी मगर मुझे कहा गया था कि मैं बहुत छोटा हूँ, अभी थोड़ा बड़ा होने दो. फिर तो मैं बहुत अपसेट था, बहुत नाराज़ था. मैंने मेरे भाई को कहा कि ये बात सही है नहीं. तो जब हम रूल्स बना रहे थे तो मैंने यही कहा सारे कमेटी को कि भाई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. पैशन इज समथिंग दैट कंटिन्यूज टू बी योर कंपेनियन फॉर एवर टिल योर लास्ट ब्रेथ. सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट प्लेइंग, इट डजंट मैटर कि आपकी उम्र क्या है, वो चाहे 14 रहे या 49 रहे, यू आर गुड, यू आर देयर, एंड दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू. आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि ऐसा रिस्पॉन्स मिला है. आई एम वॉन्टिंग टू टेक दिस opportunity and use this platform to wish all the six teams the very best of luck for the first season. I know ki har team jeetna chahegi. Mera message andar bhi yahi tha sare team owners ko aur players ko, play the game in the right spirit the way it's played, respect the game and the game will look after you. Sabhi jeet nahi sakte magar sabhi impression chhod sakte hain. This is a great opportunity. I want to wish them all the very best. Thank you. Amol, what do you want to say? Just say thank you to everybody for coming here and being a part of this revolution that we are starting. Thank you for being here with us. Thanks. प्लीज बैठ जाइए सामने से दादा, बैठ जाइए प्लीज. थैंक यू. भाई फोटो हो जाए, थोड़ा बैठ जाना.